Assalamualaikum guys, welcome back in WTS vlog. My name is Salman. My name is Shazi. तो Shazi, what the scene bro? तो scene कुछ ऐसे है सलमान के, आज हम किसकी वीडियो लेके आए हैं भला? किसकी? गेस गेस करो. अच्छा मैं गेस करूँ? आज हम सिदनीत की वीडियो लेके आए हैं. यार सिदनीत के जो फैन फॉलोइंग है वो तो मैं कहता हूँ अरिश्वा को क्रॉस कर गई, जन्नत को क्रॉस कर गई. और मतलब इसकी रेटिंग काफी अच्छी है हमारे चैनल पे, इसकी रेटिंग काफी अच्छी जा रही है क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी उसके ऊपर 500 समथिंग कमेंट्स हैं सिर्फ एक वीडियो के ऊपर. एक वीडियो के ऊपर बहुत सारा प्यार मिला हमें उस वीडियो पर, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्यार को बढ़ाया जाए. सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो भी सिद्धित की है. तो ब्रो ये जो है तो वीडियो, काफी वैसे रिक्वेस्ट आ रही थी यार के मतलब सिद्धित का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है तूने सुना? नहीं मैंने सुना. उसका लेटेस्ट इंटरव्यू है रिलेशनशिप के ऊपर, वो वीडियो देखी नहीं है क्योंकि पहले हम उसके ऊपर रिएक्शन देंगे, साथ साथ देखेंगे वीडियो. सारी बात है, अगर पहले देख लेते तो फिर रिएक्शन किस चीज का. हाँ, रिएक्शन तो फेक हो जाते ना, फेक हो जाता. और हम आपका बहुत प्यार देने का बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहे, हमें अपनी दुआ में याद रखते रहे. और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करें? वो सब्सक्राइब करें. और जिन्होंने बेल आइकन पे नहीं क्लिक किया है वो भी क्लिक करें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी लाइक करें, वो वीडियो को लाइक करें. अच्छा जी स्टार्ट करते हैं. Let's start now. One two. One two. Hi everyone, मैं हूँ सिद्धार्थ निगम. Hi, मैं हूँ अवनीत कौर and please subscribe कीजिए. सिद्धार्थ करण के बहुत ही बेहतरीन. इसी तरह WTS vlog को. सिद्धार्थ करण तुमसे प्यार अगर एक इंसान लुंगी में जो डबल हॉट लगता है, बहुत से लोग लुंगी में हॉट लगते हैं, डबल हॉट लगता है, वो है सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर. ये गारंटी से बोलेंगे हॉट लगता है कि नहीं लुंगी में. बहुत हॉट लगते हैं ये लुंगी में यार, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया मचा. कौन सी लुंगी का क्या रिकॉर्ड होता है? लुंगी का रिकॉर्ड है कि मतलब लुंगी का क्या रिकॉर्ड? आई सॉ हिम वेयरिंग अ लुंगी एंड ही इज लुकिंग हॉट इन इट. क्या बात है. तो लुंगी की खासियत क्या है भाई? हवा जो अंदर आती है उसमें फ्रीडम मिलती है, बंदा फ्रेश रहता है. बहुत आजाद फील करते हो तुम. बहुत ज्यादा उड़ने लग जाता है हवा. क्या अपने ऑटोमेटिकली उतरी थी? बहुत बार उतर जाती है. नहीं नहीं लुंगी उतरी नहीं मिली, बहुत अच्छे से मैंने बांध के रखा हुआ. बहुत बढ़िया है. पर गाना ने भी ऑडियंस को बहुत टाइट किया हुआ है. पर ये जैसे तुम्हें देख रहा था ना पहली बार वीडियो में, तू से ऐसे ऐसे पहली बार जब अवनीत से मिले थे ऐसे ही देख रहे थे अवनीत को कि नहीं? आई थिंक यस, ऐसे ही देख रहा था. आई थिंक गारंटी. ये देख लिया, सोचो तुम्हें देता हूं गारंटी. ऐसे ही देखा था मैंने अवनीत को. तो माने इसलिए भाई अगर ऐसे ना कहता तो फिर तो प्रॉब्लम होने थी ना. मैंने फर्स्ट टाइम में देखा था वैसे ही देता. आई थिंक इसलिए इतना अच्छा आया. क्या बात है, इसलिए इतना रियल आ रहा है भाई. इतने पर बताओ जब इसे तुमने पहली बार देखा और ऐसे रियल लाइफ एक्सप्रेशन दिए थे तो उस समय आप राइट देख रही थी, लेफ्ट देख रही थी, मुझे देख रही थी या फिर आपने? ये तो भाई इसको भी मुझे देख रही थी. मैं बताऊ आई थिंक ये जो सीन हुआ ना कि मैं उसको दूर से देख रहा हूँ और ये मुझे नहीं देख रही है, ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था. इतने हैंडसम लड़के को तुमने पत्ता नहीं दिया, क्यों? माने एटीट्यूड था तुम्हारे अंदर, तुम्हें लगा कि यार ये कौन है ऐसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, क्या I knew about him since a very long time, but थोड़े थोड़े करके होता ना, एकदम से थोड़ी नहीं होता एकदम से. अच्छा हमारी strategy की रणनीति थी यार, planning थी कि ज़्यादा mix नहीं करूँगी फिर. पहले ignore करूँगी फिर. यार कितनी नस्ल लग रही ना इधर वीडियोस में, बिल्कुल भी मतलब टोटली डिफरेंट लग रही है. यहाँ बात नहीं आ रही इसे करने का. देखा तो था तुमने? देखा तो था तुमने? कैसे देखा था? एक बार लुक दिखाइए. वो गुस्से से अबे चार पांच साल हो गए, बात को अभी नहीं याद. बड़ी मतलब चार पांच साल में क्या तुम्हें लगा यार सिद्धार्थ तो घर की बात है, अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हो या अभी भी वैसे ही लड्डू? मैंने अभी ऐसा होने नहीं दिया ना. यार लाइक दिस आ गया तो क्या ये? अरे इसको तो बोलने दो बदमाश, खुद की अपना अपनी तारीफ कर रहा है. बहुत तारीफ कर रहा है खुद की. ऐसा है क्या? नहीं इंपॉर्टेंट तो है ये सर बहुत. तो रियल लाइफ में भी सर बोलती हैं आप इसको? रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है सर को. क्या बात है, ये वाले
जेन्यूनली बताओ ओके, जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ मेरे कमेंट्स में आते थे सिडनी, ये बहुत यार ये चीज हमारी भी हर वीडियो के नीचे सिडनी सिद्धेशी से ज्यादा सिडनी ऐसे, सो दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल see that sort of connection in us, that sort of comfortable, that compatibility when we are there on screen. So that's why. क्या बात है सिद्धार्थ? I agree. हाँ ऐसे ही क्या? अरे तुम लोग जो हो पीछे कैमरा के आगे हो सब सेम है. Yeah, we're real. Wow. But मैंने सुना था कि तुमने अलादीन जब छोड़ा था तुमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि सिद्धार्थ बहुत बदमाशी कर रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, तुमने अपने पापा को भी फोन कर दिया कि यार मुझे छोड़ना है क्योंकि सिद्धार्थ मुझे परेशान कर रहा है, इज दैट ट्रू? बिल्कुल ही, मेरे पापा ने कहा कि तुम बहुत अच्छी पढ़ी हो. कौन सा कौन है ये लोग? मैं जानना चाहता क्योंकि तुम प्रैंक बहुत करते हो ना, तुमने बोला था बहुत प्रैंक्स करता थे वो, थे वैसे बहुत बहुत ही बदमाश लड़का है, बदमाश है नहीं वैसा वाला कमीना बदमाश दाल मुंह देख रहा है. जब डिसिप्लिन होना होता है, जब जैसा सीरियस सेट लाइक सीन होता है तब मुझे सीरियस, बट वैसे ही फुल ऑन मस्ती खोल लोग चेहरे पे स्माइल लगा, इसकी आंखों में नहीं दिखती आपको मस्ती, देखो मुझे नहीं दिख रहा, आप देख के दिखाओ एक बार, एक बार क्या मस्ती मुझे नहीं दिख रहा. छोड़ जब तुम लोग रियल हो एक दूसरे के साथ, कभी ऐसा जब तुम्हारी मोमेंट्स लो मोमेंट्स होती हैं, जैसे सिचुएशन ठीक नहीं है पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में, क्या तुम दोनों एक दूसरे को एक्चुअली फोन करके बोलते हो कि यार अवनीत मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, ऐसी बॉन्डिंग है आपके बीच में किसी मस्ती रिलेटेड? आई थिंक वो हमेशा नहीं रहेगी बिकॉज आई नो हिम सिंस सच अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज बीन दैट जेन्युइन फ्रेंड. And I know that if I have some problem in my life, he will always be there. Ki Avneet, you know, I'm there for you. He will always be supportive no matter what. I've seen that in him. So same goes to me. Yeah. If you have any problem in your life, I'm just one call away. So. यार ये बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए. दूसरे गर्लफ्रेंड वाले प्रॉब्लम से फोन करता है या फिर ये फोन करता है कि एक और गुड लुकिंग इंसान आ गया इंडस्ट्री में से बात करना, उसके सामने मैं कैसे टैकल करूं, कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? आई थिंक हमारी फ्रेंडशिप हैज नेवर बीन प्रॉब्लमैटिक, बट या लाइक कभी भी यू नो इफ अ पर्सन इज इन डिस्पेयर और सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, ही ऑलवेज हैज बीन शेयरिंग इट विद मी, और मैं भी सेम इसके साथ करती हूं. जैसे मेरा कोई घर पे झगड़ा हो गया या यू नो कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई ऑलवेज टेल हर. पर भी इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग है बिकॉज़ वी जस्ट डोंट डू फन एंड ऑल, वी स्टैंड फॉर ईच अदर. क्या बात है. व्हाट इज दैट वन थिंग जो तुम जेन्युइनली कहते हो मेरे भाई कि मैं अवनीत के लिए खड़ा हुआ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, वो क्या था? सी ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अवनीत के लिए खड़ा हुआ, हमेशा जब भी अवनीत प्रॉब्लम में हुई है या फिर कभी भी उसको ज़रूरत पड़ी है, मैंने कभी उस चीज़ मना नहीं किया कि मैं नहीं हूँ या फिर मैं कहीं बाहर हूँ. आई ऑलवेज स्टूड फॉर हर. सो आई थिंक ऐसे तो मैंने रियलाइज नहीं किया, मैंने कभी नोट किया क्योंकि आई डोंट नो दैट. झूठे या पांच नोट्स तो रखे हुए तुमने अवनीत के लिए, मैं कल रात को खड़ा होता परसों मैं ना नोट नहीं रखता. डिजिटल तो मैं भी नहीं रख सकता, मेरे पास पैसे नहीं है. कार्ड आपकी शादी हो गई है ना, पैसे का क्या मतलब है? अकाउंट आपके पास होंगे नहीं, सच बताइए लोगों को. इतना कैसे मालूम है? मैंने अभी पिछला इंटरव्यू किया था ना. जब आप लोग रोमांटिक सीन्स करते हो स्क्रीन पर, I truly feel they're actually in a relationship. Are you? Both of you? बाप रे, that's how real we are. Are you? No. Yeah, we are in a relationship. You know, bond जो हमारे है friendship, that is also a relation. So yes, we are. कितने शोज के हमें एक्चुअली हम हमेशा जब भी शो में आए हैं हम एज अ जोड़ी आए हैं. वी हैव बीन इन चंद्र नंदिनी, उसमें उसकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, फिर नेक्स्ट शो में इसकी गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, फिर शादी हो जाती है. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज दैट रोमांटिक कुछ ना कुछ तो है. So that's why I think people, the fans, they think ki hamare beech mein, you know, there's some romantic, but aisa kuch nahi hai. We just have a connection going on. That will always be there. Siddharth ki jawani ki kasam kha ke bolo, we are not in a relationship. ले अभी डल जाएगी सारी जो अब फंस गया सब चीज़ आ गई चले यार. Yeah.
यार वन डिजिटल एंटरटेनमेंट क्या नाम है कैनन बहुत जबरदस्त है यार, बहुत अच्छा था। वैसे एंड वाला इसका जो एंड वाला सीन था ना कि सिद्धार्थ के सर की कसम खाओ, वो ज्यादा मुझे पसंद लगा है। सिद्धार्थ के सर की कसम बेसिकली सिद्धार्थ भी यार कसम खा ले ये ना मेरी जवानी डल जाए अभी से इस बात कल उठो तो कल बाल वाइट निकले, बाल वाइट निकले इतना डिजिटल भी नहीं होगा यार आज वो सोए यार बंदा डरता तो है ना, बंदा डरता है यार कि ये ना हो किस तरह। बहरहाल बहुत जबरदस्त है इंटरव्यू, बहुत अच्छा ये बंदा प्रो एक्टिव था। इस वीडियो में ना मुझे इस वीडियो में सिद्धनीत और मतलब सिद्धनीत का जो आपस में जो फ्रेंडशिप वाला है जोन सा भी ये वो क्लियर हो गया तुझे तो क्या अभी क्लियर नहीं हुआ ना वो लास्ट में वो गोल बात को ना गोल गोल हो गई राज बाद मजाक में अच्छा पर हमारे लिए भी वो था कि प्रोबेबिलिटी थी पता नहीं अब ये ऐसा होगा या मुझे ये था कि शायद इनका इस तो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया होगा कि नहीं हम रिलेशन में हैं। और उसने तो कहा भाई अवनीत ने कहा है कि भाई बस हम दोस्त हैं और रोमांटिक सीन नहीं है भाई जो आप समझ रहे हैं कि जो ऑन द फ्रेम जिस तरह होता है तो हम बैक फ्रेम मतलब बिहाइंड ऑफ द सीन इस तरह नहीं करते हम ऐसा कोई रोमांटिक सीन नहीं है। पर उसने तो बड़ा मतलब उसने जिस तरह सर की कसम खा के पूछा तो बाद बाद बस गोलमोल होगी। पर हम जो डाउट में है इस टाइम डाउट में है ना डाउट है मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ तो बता उनकी आंखों से नहीं था लग रहा कि यार ये दोनों जो है ना जस्ट फ्रेंड है। अच्छा तूने क्या नोट किया तू बता रहा था अवनीत का। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछली जितनी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दिया है ना तो मुझे अवनीत मैंने याद है मैंने लास्ट टाइम जो जोड़ी सिलेक्ट की थी मैंने सिद्धेश ही सिलेक्ट की थी मुझे लग रहा था कि वो कपल और मैं था सिद्धनीत वो ज्यादा अच्छा ये ब्रो ये और मैं था सिद्धनीत मैंने कहा था सिद्धनीत इस वीडियो में मैंने ये फील किया कि नहीं यार ये अवनीत के साथ इसका जो जो कनेक्शन है वो ज्यादा आई थिंक स्ट्रॉन्ग है ना स्ट्रॉन्ग है। और वैसे साथ मतलब उस वीडियोस में वो कुछ डिफरेंट मुझे लगी है लेकिन इस वीडियो में मतलब इनका काफी अच्छा पेयर लग रहा था। और दूसरा ये है कि अवनीत तुमने देखा इनोसेंट सी यहाँ पे थी वो जिस तरह मतलब जिस तरह और इंस्टाग्राम रील से हटके तो बिल्कुल मतलब एक डिफरेंस था यहाँ इनोसेंट और वहाँ पे जरा भी मासूमियत का निशान नहीं होता। और वो चल यार खत्म कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो होप्स आपको पसंद आई होगी और सिद्धनीत लवर्स हम मजीद रिएक्शन देंगे सिद्धनीत की वीडियोस के ऊपर जैसे भी कहीं भी सिद्धनीत हमें नजर आ जाए कहीं भी नजर आ जाए हम वहीं पहुंच जाएंगे सीरीज हो गए बंदे रहे सतर्क रहे बंदे रहे ठीक है गाइस अगले वीडियो तक के लिए दें हमें इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखें।